दोस्तों राइड स्टार्ट हो रही है हमारे गुरुधाम चौराहे से और हम चलते हैं सोनभद्र। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टेंगड़ा मोड़, ये NH-19 है। यहाँ से दाहिना चले जाएंगे प्रयागराज, बाएं चले जाएंगे बिहार और सीधे चले जाएंगे आप हनुमाना। दोस्तों फाइनली हम लोग वाराणसी कन्याकुमारी मार्ग छोड़ कर हम लोग आ चुके हैं रॉबर्टगंज वाले रोड पर, यानी स्टेट हाईवे 5 है। यहाँ शक्ति नगर 180 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं, नज़ारा दिखाते हैं और भी आपको, वीडियो में बने रहिएगा। पहले टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं हम लोग, ये है फतेहपुर टोल प्लाजा, अदर हाट से पहले पड़ता है ये। फिलहाल बाइक से हम लोग है तो कोई टोल वोल देना नहीं है, धीरे निकल जाना है। दोस्तों वाराणसी से लगभग 45 किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम लोग और देख सकते हैं गाड़ियों का चढ़ाई करने में तो हालत खराब जा रही है। ये रास्ता चला जाता है सीधे लखनिया दरी, ये लोग जो देख रहे हैं फिलहाल इसमें लखनिया दरी बंद है। ये पूरा नज़ारा यहाँ से ऐसा है। ये है अरहरा रिजर्वायर, यानी अरहरा डैम है ये। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हिंदुवारी, ये रास्ता सीधे चला जाता है मिर्जापुर, ये वाराणसी चला जाएगा जिससे हम लोग आ रहे हैं, ये सीधे चला जाता है रॉबर्ट्सगंज डाला। अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोनभद्र, यह है चौपन पुल जो कि सोन नदी के ऊपर बना है। ये देखिए सोन नदी सामने एकदम पानी क्लियर है, ये लाल बालू और सामने देखिए ये सोनभद्र सबसे ऊंची पहाड़ी और उसी सामने मंदिर है मंगलेश्वर महादेव मंदिर, रेलवे ब्रिज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और फॉलो जरूर करिएगा नई नई वीडियोस के लिए।